इमेजिन करें आप अपने घर को एक बाउंड्री वॉल के बगैर, तो वो कैसे दिखेगा। ऑब्वियसली आपको थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल जाती है, लेकिन दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क्स। Assalamualaikum and hello. Welcome to Ghaar Plans Pakistan. This is to architect Mehnaz Manzer at your service. In its easiest explanation, एक बाउंड्री वॉल बेसिकली एक एनवेलप होता है आपकी 4.5 इंच की जो दीवार पूरे घर के या आपका कोई भी प्लॉट हो उस एरिया को वो एक दूसरे प्लॉट के एरिया से सेग्रीगेट करती है, अलहदा करती है। सो एक बाउंड्री वॉल को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके प्राइमरी फैक्टर्स यही हैं जिसकी वजह से वो बनाई जाती है कि एक तो वो आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से प्रोटेक्शन देता है, सेकेंडली कोई कब्ज़ा आपकी जगह पे नहीं कर सकता जिसको आप इंक्रोचमेंट का नाम देते हैं, एंड थर्डली जो आपका प्लॉट एरिया होता है वो सिक्योर रहता है और साफ़ रहता है। मतलब बाउंड्री जब आप उसको दे देते हो तो एवरीबडी नोज़ के दिस इज़ एन असाइंड एरिया और ये किसी का एरिया, तो आप उसमें आ जा नहीं सकते हो विदाउट एनी वंस परमिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्किटेक्ट्स। एक वो होते हैं जो बाउंड्री वॉल को एक बिल्कुल सेपरेट प्रोजेक्ट समझ के इररिस्पेक्टिव कि आपका एलिवेशन कैसा है, आपकी ओवरऑल डिज़ाइनिंग अप्रोच क्या है, उसको उस तरह से ट्रीट करते हैं। जो सेकेंड कैटेगरी है, दीज आर दोज आर्किटेक्ट्स हु आर वेरी क्रिटिकल कि वो जो एलिवेशन पे दिखा रहे हैं उनकी बाउंड्री वॉल उसके साथ कोहेरेंट है या नहीं है। सो अगर हम बात करें कि आपको बाउंड्री वॉल किस तरह से डिज़ाइन करनी चाहिए, डेफिनेटली द सेकेंड कैटेगरी इज़ व्हाट वन शुड बी फॉलोइंग। और आर्किटेक्ट होते हुए आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आप जब डिज़ाइन करें अपनी बाउंड्री वॉल, आप उसको प्रोपोर्शनेट रखें, उसकी जो डिज़ाइन या एस्थेटिक सेंस है उसको एलिवेशन को माइंड में रखते हुए करें। सो अभी आपको स्क्रीन पर कुछ इमेजेस दिखाएंगे हम, जिसमें हम पहले वो इमेजेस दिखाएंगे जिन आर्किटेक्ट्स ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एलिवेशन को और बाउंड्री वॉल को एज वन प्रोजेक्ट लेके चले हैं। वो जो बाकी इमेजेस हैं, आई वुड से आई डिड नॉट वांट टू शो देम, बट द आइडिया इज़ कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि अगर इस किस्म से हम बाउंड्री वॉल डिज़ाइन करते हैं सो हाउ डज इट लुक जब आप उसको अपने एलिवेशन के साथ रख के देखते हैं। ये जो पहला इमेज हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको बहुत आसानी से Pinterest पे भी मिल जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइकेबल इमेजेस आई वुड से, और पर्सनली मुझे भी ये बहुत पसंद है। अगर आप इसकी बाउंड्री वॉल और एलिवेशन को देखें तो यू सी सम सॉर्ट ऑफ सिमेट्री, कोहरेंस, प्रोपोर्शंस इसके बहुत अच्छे हैं। जैसे एलिवेशन में अगर आप देखते हैं वो जो 3 वर्टिकल एलिमेंट्स जा रहे हैं, उन्होंने बाउंड्री वॉल के अंदर भी उसी चीज़ को यूज़ किया हुआ है। कलर स्कीम जो है वो आपके एलिवेशन और बाउंड्री वॉल की कॉम्प्लीमेंट करती है एक दूसरे को। द कलर इज सेम, सिर्फ उसको थोड़ा सा टोन डाउन किया हुआ है ऑन द बाउंड्री वॉल। कमिंग टू द सेकेंड पिक्चर, इसमें अगर आप एलिवेशन पे देखें तो एक वुडन स्क्वायर आपको रेक्टेंगल बहुत प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आ रहा है। So the architect has very beautifully used this rectangular element in the boundary wall as well. अब उसने boundary wall को बहुत ज़्यादा overdo नहीं किया हुआ। You get to see very sleek grooves on the boundary wall. इसके साथ उसने planters का use किया हुआ है। So I would say this is a 10 by 10 boundary wall design, considering कि उन्होंने अपने elevation को दिमाग में रखा हुआ है। Image number 3 की अगर हम बात करते हैं, again this is a very beautiful image. आपकी एलिवेशन भी बहुत अच्छी लग रही है और अल्टीमेटली आपकी जो बाउंड्री वॉल है वो उस डिज़ाइन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपकी बाउंड्री वॉल को आर्किटेक्ट ने 3 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज़ प्रिटी हॉरिजॉन्टल, और जो आपके लेफ़्ट और राइट पे बाउंड्री वॉल के डिज़ाइन है उसमें उन्होंने वर्टिकल एलिमेंट्स को यूज़ किया हुआ है। अगर कोई आपको ना भी ये चीज़ें बता रहा हो तो आई एम प्रिटी श्योर आप ये देखते साथ खुद भी कंसीव करेंगे। अब जो एलिवेशन के अंदर चंक बन रहा है आपके राइट साइड पे, वो जो रेक्टेंगुलर साइज़ है दैट इज़ ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेट टू द बाउंड्री वॉल का राइट हैंड साइड वाली डिज़ाइन का पार्ट। तो अगर आप टोटलिटी में इस इमेज को देखें, बहुत अच्छे तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है जो आपके एलिवेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। And also the color scheme looks perfect. Grey is always complement with your wooden texture. सो बाउंड्री वॉल को भी उन्होंने ओवरऑल ग्रे रखा है और उसमें जो पैटर्न यूज़ हुआ है दैट इज़ कॉन्क्रीट एंड दैट लुक्स ब्यूटीफुल। अब जो बाकी दो इमेजेस हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे, ये वो अप्रोच है जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि जहाँ पे आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर बाउंड्री वॉल को इससे सेपरेट एंटिटी ट्रीट करता है और वो बिल्कुल भी फोकस नहीं शायद कर रहे होते कि एलिवेशन के साथ बाउंड्री वॉल का या ओवरऑल आपके घर के लुक का एक इम्पैक्ट बनता है। सो दिस इमेज पर्टिकुलरली अगर आप इसको देखें, आपके एलिवेशन में एक स्लांट एलिमेंट जा रहे है, आपकी एलिवेशन पे एक सर्कल का यूज़ है, आपके एलिवेशन पे एक थर्ड पर्पल कलर है और अगर आप इसकी बाउंड्री वॉल को देखें तो वहाँ पे एक स्पायरल एलिमेंट आपको नज़र आता है। तो कहने का मकसद ये है कि देयर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन एज सच, कोई हार्मनी नहीं लग रही ना मटीरियल की, ना डिज़ाइन की, ना ओवरऑल प्रोपोर्शंस या स्केल की। So this I will call a bad approach of designing a boundary wall. With all due respect, but this is something that one should be careful about. तो इस project के जब हम elevation को देखें, इसमें boundary wall के ऊपर बहुत सारे rectangles हमें देखने को मिलते हैं जो कि थोड़ा सा आँख को I would say चुभते हैं। Like there is one beige part जो आपकी बेस पे है, फिर वो जो L शेप की मैंने बात की जो आगे है which is in light grey और white probably, then there is that wooden part जो आपके right side पे है। उसके अलावा फिर दो छोटे chunks हैं white के अंदर जो छोटे rectangles हैं vertical, वो अलहदा से एक चीज़ है और उसके जो पीछे एक बेस बनी हुई है which is again a rectangle but a horizontal one, वो भी एक rectangle है, वो भी एक shape आई है। तो इतना कुछ इतनी छोटी सी वॉल पे करने से आपको खुद भी कई दफ़ा समझ नहीं आता कि उस बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है क्या। तो इन इमेजेस को देखते हुए तो आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि एलिवेशन को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप रैंडमली उठा के अपनी बाउंड्री वॉल डिज़ाइन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो वही चीज़ निकलेगी जो भी मैंने आपको दो लास्ट इमेजेस में दिखाई। सेकेंडली, यू नीड टू सी कि आपका प्लॉट साइज़ क्या है। 5 मरला हाउस बाउंड्री वॉल इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी डिफरेंट फ्राम अ 10 मरला हाउस। 1 कनाल की जो बाउंड्री वॉल है वो डिफर करेगी 10 मरला से और 2 कनाल से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो स्केल को और अपने एलिवेशन को लाजमी कैटर करें, वरना आपका डिज़ाइन जो है वो उस तरह से नहीं निकलेगा। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बाउंड्री वॉल के जितना अच्छा डिसेंट स्लीक बना सकते हैं उतना रखें, क्योंकि वो आपके घर का पहला इंप्रेशन होता है। जहाँ हम बात करते हैं कि एलिवेशन फ्रंट बहुत अच्छा होना चाहिए और लोग उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज भी करते हैं कंपेयर टू ऑल दी 3 अदर एलिवेशन ऑफ ए हाउस, इसी तरह बाउंड्री वॉल भी जो होती है वो एक कैनवस होती है आपकी आँख के लिए। सो इट नीड्स टू हैव अ रेलेवेंस टू दी इंटायर आउटलुक ऑफ योर हाउस। तो जैसे कि भी मैंने आपसे पहले बात की कि हमें बाउंड्री वॉल डिज़ाइंस को डिसेंट और सिंपल रखना चाहिए। दिस डज नॉट मीन कि आप उनको बिल्कुल ही प्लेन छोड़ दें। बाउंड्री वॉल इज़ नॉट मेंट टू बी प्लेन एक्चुअली। बाउंड्री वॉल डिज़ाइनिंग में कुछ लोगों को लगता है कि शायद आपकी जो फ्रंट फेस होता है आपकी बाउंड्री वॉल का, शायद उसको ही डिज़ाइन करना है इस बाउंड्री वॉल डिज़ाइन, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। दिस इज़ नॉट अ रूल ऑफ थंब। जैसे आपकी बाकी पीछे की बाउंड्री वॉल हो गई जो आपकी पीछे की गली को लगती है और ये साइड एलीज, उनके साथ भी बाउंड्री वॉल जो आपकी 4.5 इंच की रान करती है, दोज आर ऑल्सो प्लेसेज जिनको आप ऑर्नामेंट करते हैं या आप उनको भी डिज़ाइन दे सकते हैं। सो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइंट एंड दी आर्किटेक्ट कि उन्होंने किस तरह का डिज़ाइन देना है, कितना डिसेंट जाना है, कितना उसको एग्जैजरेट करना है। बट जनरली जो कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे पॉइंटर्स हैं जिनको अगर आप माइंड में रखें तो आप अपनी बाउंड्री वॉल को बहुत अच्छा डिज़ाइन दे सकते हैं, जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, एडिंग अ निश टू योर बाउंड्री वॉल। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट या एक डिज़ाइन एलिमेंट है जो कि बहुत कॉमन है। आप घर की इंटरनल डिज़ाइनिंग में भी इसको बहुत यूज़ करते हैं और बाउंड्री वॉल्स पर भी ये बहुत प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये कोई आउटडेटेड एलिमेंट है, बट स्टिल अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यूजिंग इट। सो निश जहाँ पे भी आप दे रहे होते हैं, वेदर इंटरनली इन हाउस या बाउंड्री वॉल पे, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली 4.5 इंच की जो आपकी बाउंड्री वॉल रन करी होती है, उसमें जब आपने निश देनी है तो निश इटसेल्फ इज़ अ 4.5 इंचज़ का रिसेशन। तो जहाँ पे आप निश देते हैं वहाँ पे उस निश वाले एरिया के लेफ़्ट और राइट पे आपको 9 इंच की थिकनेस देनी पड़ती है, सो दैट यू गेट दैट 4.5 इंचज़ का रिसेशन जिसको आप निश बोलते हैं। निश को आप पेंट से भी उसकी कोटिंग कर सकते हैं, उसमें आप कोई क्लैडिंग लगा सकते हैं, वॉल क्लैडिंग। आप उसको खाली पंक्चर भी छोड़ सकते हैं, सो दैट यू कैन सी थ्रू, आपको बाहर से नज़र आएगा। उस वॉइड के अंदर फिर आप ग्रिलिंग कर सकते हैं। सो दैट टोटली डिपेंड्स कि आपने किस तरह की लुक देनी है अपनी बाउंड्री वॉल को, how spacious you want it to be or how opaque you want it to look like। दूसरी बात थी कि आप अपनी बाउंड्री वॉल को एक्सेसराइज कर लें। अगर आपको कोई बजट कंस्ट्रेंट है या आप उसको बहुत हैवी लुक नहीं देना चाहते, सो देयर आर मल्टीपल वेज़ कि आप चीज़ों के साथ उसको डेकोरेट कर सकते हैं। इसमें एक बहुत कॉमन जो चीज़ है वो आप फ्लावर्स के साथ, कैन भी आर्टिफिशियल या नेचुरल भी हो सकते हैं। बाहर आप पेंटिंग्स या कैनवसेस भी किसी तरह के हैंग कर सकते हैं। दे कैन बी फ्रेम्ड ग्राफिक्स और समथिंग। दिस इज़ समथिंग जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं चीज़ें। आई एम प्रीटी श्योर आपको इंटरनेट पे इस तरह के इमेजेस भी मिल जाएंगे, या जो आपके आर्टिफिशियल पॉट्स का कॉन्सेप्ट होता है, यू कैन हैंग थिंग्स ऑन योर बाउंड्री वॉल, सो उससे भी आप अपनी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। इट कैन बी अ सिंपल बाउंड्री वॉल ऑन द बैक और उसके ऊपर आप चीज़ें पुट अप कर सकते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट है दैट इज़ नॉट दैट कॉमन, और आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत से लोग मे बी इसे अग्री भी ना करें। अगेन वही बात है, दिस डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट। एक म्यूरल के तौर पे अपनी बाउंड्री वॉल को शो करवाना इज़ समथिंग जो आप आउट ऑफ द बॉक्स जब सोचते हो तो तभी पॉसिबल होता है। सो दिस इज़ अ फीचर जो आई नो कि हर कोई अडॉप्ट शायद ना करना चाहे, और वही बात है कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं कि आप बाउंड्री वॉल्स के ऊपर म्यूरल्स पेंट कर दें। बट इफ़ यू कंसिडर कंट्रीज़ अब्रॉड, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ ट्रेंडिंग। तो जो ये फीचर है म्यूरल पेंटिंग का, वो प्रॉबेबली आप अपनी फ्रंट बाउंड्री वॉल के फेस पे ना करें। बट फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कोई बैक साइड की जो बाउंड्री वॉल का कुछ पोर्शन है एंड दैट ओपन्स अप इनटू सम कोर्ट यार्ड, एंड इफ़ यू आर प्रिटी आर्टिस्टिक, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो आई थिंक मैं म्यूरल पेंट कर लूँगी अपनी बाउंड्री वॉल को, क्योंकि वो अच्छी लगेगी और काफ़ी आर्टिस्टिक लगेगी। फोर्थ इज़ वॉल क्लैडिंग। ये तो बहुत से लोग करना चाहते भी हैं, करते भी हैं, पसंद भी की जाती है, क्योंकि आजकल देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल क्लैडिंग्स जो आपको मिल जाती हैं, विच आर हीट रेजिस्टेंट, वाटरप्रूफ, वेदर को बड़े अच्छी तरह से कैटर कर लेती हैं, और बहुत अच्छे साइजेस में भी मिल जाती हैं। थिकनेसेस बहुत कंफर्टेबल होती हैं, आप उसको बहुत आसानी से उठा के क्लैड कर सकते हो। तो जहाँ पे स्टोन क्लैडिंग की बात आती है, ये एक अच्छा तरीका है अपनी बाउंड्री वॉल को डेकोरेट करने का, वेदर इट्स ऑन द फ्रंट एरिया या आपकी वही बैक पे या दोनों साइड्स पे किसी बाउंड्री वॉल एरिया को हाईलाइट करना है। इट इज़ डिसेंट। वही बात है, अगर आप इसका कॉम्बिनेशन करें एक निश के साथ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हैवी इफेक्ट देना शुरू कर देता है। बट इफ़ योर वॉल इज़ प्रिटी मच इन लेंथ, तो आप इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, विच मीन्स अ स्टोन क्लैडिंग विद इन अ निश, और स्टोन क्लैडिंग ऑन इट्स ओन एंड अ निश ऑन इट्स ओन। मेटल जालीज जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं, और डेफिनेटली आप उसको गूगल भी करें, बहुत प्यारे प्यारे पैटर्न्स मिल जाते हैं। कुछ आप अपनी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अपने आर्किटेक्ट को सजेस्ट कर देते हैं, बट जनरली आर्किटेक्ट्स डू हैव अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज मेटल जालीज। तो उससे ये होता है कि एक तो आपको परफोरेशंस मिल जाती हैं आपके एक्सटीरियर और विद इन योर एक्सटीरियर ऑफ द हाउस, उसमें भी आपको एक कैविटी कह लें या वैक्यूम कह लें, आप एक उस तरह की चीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने आउटडोर के साथ लिंक बना लेते हैं। और कुछ लोगों को ये प्राइवेसी फैक्टर के लिहाज से सही नहीं भी लगती, और कुछ लोग उसको बहुत पसंद भी करते हैं। तो जो आपका दिल करता है आप वो कीजिए। ट्रैवर्टीन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल लुकिंग बेजिश कलर की, अब तो वैसे ग्रे में भी काफ़ी इसकी ऑप्शन मिल जाती हैं। एक टाइल होती है, जनरली कम्स इन अ साइज ऑफ 4 फीट बाई 2 फीट। इससे ऊपर नीचे भी चीज़ ऑब्वियसली आपको मिल जाती है, कस्टमाइजेशन की ऑप्शन होती है मार्केट में। सो ट्रैवर्टीन इटसेल्फ इज़ अ वेरी नाइस ऑप्शन फॉर योर बाउंड्री वॉल एंड इवन फॉर दी एलिवेशंस, या इंटरनली भी आपने कहीं क्लैड करनी हो। इससे एक बहुत डिसेंट लुक आती है, आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता, क्योंकि टाइल में जो अपना एक टेक्स्चर होता है वो इतना इन्हांसिंग होता है that maximum you will want to do with a travertine tile on your boundary wall is कि आप शायद साथ grooves run कर लें, या even if you don't want to do that आप उसकी juxtaposition इस तरह से करें tiles की कि वो elevation पे boundary wall पे एक pattern create कर देता है। वर्टिकल गार्डन्स के साथ अपनी बाउंड्रीज़ को जो डेकोरेट करने का आइडिया है दैट इज़ कंपेरेटिवली वेरी चीप, लेकिन इसमें मेंटेनेंस का फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर तो आप नेचुरल प्लांटर्स या क्रीपर्स यूज़ करें तो जाहिर सी बात है आपने उनको देखना होगा कि उनकी ग्रोथ वगैरह सही रहे। वर्टिकल गार्डन्स आप आर्टिफिशियल ग्रीनरी के साथ भी कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स आप क्या चीज़ चाहते हैं। इसमें पैसे आपके ऑब्वियसली कम लगेंगे और ये दिखने में अच्छी लगती है। कुछ लोग वाटर फीचर्स के साथ बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं और बाउंड्री वॉल आपको बहुत अच्छी ऑप्शन देती है कि आप वाटर फीचर को उसके साथ ब्लेंड इन कर लें। इससे आपकी ग्राउंड का एरिया भी बच जाता है, मतलब बचत काफ़ी हद तक हो जाती है और आप बाउंड्री वॉल को यूज़ करते हुए प्यारी सी वाटर फीचर को डेवलप कर सकते हैं, जो कि आपके फिर विंडोज़ के बाहर आपको व्यू भी अच्छा मिल जाता है। सो इसमें कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी और क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इंस्टॉल करते हो अपनी वाटर मशीनरीज तो दैट इज़ कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शंस जो मैंने इससे पहले बताए हैं, बट दैट डेफिनेटली इज़ अ गुड ऑप्शन। सो डिज़ाइनिंग की इन ऑप्शंस को आप अलहदा से भी लेके चल सकते हैं और ये सारे पॉइंट्स एक ही बाउंड्री वॉल पे भी हो सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि आपको हॉरिजॉन्टल अच्छी खासी लेंथ मिल जाती है अपनी बाउंड्री वॉल की। फॉर एग्जाम्पल मे बी आप वाटर फीचर और कुछ वर्टिकल गार्डन को अपने फ्रंट बाउंड्री वॉल के पार्ट में रख लें इंटरनली। निशेज़ आप मे बी फ्रंट बाउंड्री वॉल की एक्सटीरियर साइड को दे दें और इसी तरह म्यूरल में भी आप जिस तरह बैक साइड के ऊपर पेंट कर सकते हैं। सो लाइक देयर आर मल्टीपल वेज कि आप इन चीज़ों के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। अपने टॉपिक के आखिरी सेगमेंट की तरफ अगर हम आए, विच इज़ अबाउट कॉस्टिंग एंड द जनरल स्टैंडर्ड के क्या साइज होता है आपकी बाउंड्री वॉल का, तो इस पर आप ऐसा जितनी कोई इस तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हो क्योंकि एवरी प्रोजेक्ट इज़ डिफरेंट और हर बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन डिफरेंट होता है। बट जनरली टॉकिंग आपकी जो हाइट होती है बाउंड्री वॉल की दैट इज़ 7 फीट फ्रॉम योर रोड लेवल और कुछ एरियाज़ में इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जांपल THA के बायलॉज की अगर हम बात कर लें तो यू कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम 7 फीट। बट टॉकिंग अबाउट अदर सोसाइटीज़ में भी और अदर सिटीज़ उसमें लोग कभी कभी अपने हिसाब से 7 फीट को 8 फीट ले जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप बायलॉज को फॉलो करें और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को डिज़ाइन करें। जहाँ पे कॉस्ट की बात आती है, सो 10 मरला हाउस फॉर एग्जांपल, उसकी जो बाउंड्री वॉल है विच इंक्लूड्स ऑल द 4 साइड्स, वो आपकी कोई अंदाजन 60,000 to 70,000 में बनती है क्योंकि उसमें ईंट का भी हिसाब होता है और इसीलिए हम इसको स्पेसिफिकली यूँ नहीं बता सकते कि जी इस घर की ये अमाउंट आएगी या इस डिज़ाइन की ये अमाउंट आएगी। कुछ फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ब्रिक किस एरिया की है और किस एरिया में आप घर बना रहे हो, वो क्या सिटी है, सो उस हिसाब से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो वेरी करती हैं, फ्लक्चुएट करती हैं एंड यू कैन नेवर टेल एग्जैक्टली कि जी इतनी अमाउंट बनेगी अनटिल और अनलेस वो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहे और उसकी कॉस्टिंग आपने बिल्कुल एक्यूरेटली कर ली हो। आई होप कि आप जब आप अपने घर की बाउंड्री वॉल डिज़ाइन कर रहे होंगे तो आप बहुत क्रिटिकली इसको देखेंगे और जो जनरल पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए हैं आप उसको फॉलो करते हुए अपने डिज़ाइन को डेवलप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड क्वेरीज यू आर ऑलवेज वेलकम। हमारे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें बताइए और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।